कार्यालय का उद्घाटन किया गया है सर, आज बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, हवन यज्ञ भी किया गया है, जिस तरह देखते हैं आगे का जो चुनाव प्रचार है। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और सारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलाने के लिए एक चुनाव कार्यालय की आवश्यकता होती है, तो इसलिए आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सर, जहां बीजेपी ने टाउन कैंडिडेटों की जो है सूची जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस अभी तक अपने कैंडिडेटों का अभी तक जारी नहीं कर पाई, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस के पास कैंडिडेट है नहीं। ये इन्होंने पहले झूठ बोला और बड़ी बड़ी हांकी, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने भी हांकी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि हमारे पास तो कैंडिडेटों की लाइन लग गई है, हमारे पास इतनी है, लेकिन अब 90 पूरे नहीं हो रहे। इसलिए राहुल गांधी जी ने आप पार्टी को प्रार्थना की है भी कुछ आप दे दो, कुछ दूसरी पार्टियों से मांग रहे हैं ताकि बाहर से लोग आ जाएँ और इनकी 90 सीटें पूरी हो सकें। सर, अमर अब्दुल्ला लोगों से अपील कर रहे हैं और रोते हुए अपील कर रहे हैं कि मेरी इज्जत और मेरी टोपी आपके हाथ में, इसकी लाज रखना, इस तरह से देखते हैं उनके। देखिए, लोगों को देश की इज्जत की लाज रखनी है। देश ने जो वहाँ से धारा 370 ख़त्म की है उसका लाज रखनी है। लोगों ने जो वहाँ पर विकास का पहिया चलना शुरू हुआ है उसकी लाज रखनी है। वहाँ पर दलितों को जो हिंदुस्तान के संविधान के तहत रिजर्वेशन का हक है वो मिला है, उसकी लाज रखनी है। सर, राजस्थान में केसरिया रंग जो स्कूलों में बच्चों को दिया जा रहा साइकिल, उसका केसरिया रंग पर जो कांग्रेस है वो सवाल उठा रही है। नहीं, कांग्रेस से अगर केसरिया रंग पर सवाल उठाते हैं तो ये सुबह जल्दी ना उठा करें, क्योंकि सुबह जो सूरज निकलता है वो केसरिया होता है, तो इनको नहीं देखना चाहिए। और इनको हर जो हमारा तिरंगे में भी केसरिया रंग है, कांग्रेस के झंडे में भी केसरिया रंग है, तो उस झंडे को निकाल देने बीच में। धन्यवाद। राजीव गांधी से बेहतर हैं और वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के जो पूरे गुण उनके अंदर दिखते हैं। किसने कहा? सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा हिंदुस्तान की रीति नीति से वाकिफ नहीं है। उनके ऊपर विदेशियों का रंग साया ज़्यादा है और वो ज़्यादा रहते भी उनके साथ हैं। अब वो किस आधार पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी के राजीव गांधी से मिलते जुलते हैं, और इस चीज़ का तो सर्टिफिकेट देने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके पुत्र हैं वो। आज सैम पित्रोदा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि इनके रंग भवन से मिलते जुलते। सर, एक बार फिर कांग्रेस में आपसी गुटबाजी देखने को मिल रही है, जो भूपिंदर सिंह हुड्डा है और शैलजा टिकट के बारे में कहीं ना कहीं आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये लड़ाई कोई नई नहीं है, ये लड़ाई इनकी बहुत पुरानी है और इसी लड़ाई की वजह से 16 साल में ये अपना संगठन नहीं बना सके। और ये बात खुद कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और जो प्रभारी हैं उन्होंने कबूल की। भारतीय जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमने काम किया, काम देखिए, अंबाला छावनी में विकास के अनेक काम हुए हैं और मेरा तो नारा रहा है, काम किया है, काम करेंगे, इसी नारे के ऊपर वोट देना चाहिए। सर, हमेशा देखा गया कि आपकी बजाय आपके कार्यकर्ता ज़्यादा लड़ते नजर आते हैं, तो उनके जो कंधे पे आपने जो कमान सौंपी है, किस तरह से देखते हैं आपकी बात? कितने मार्जिन से जीतेंगे? बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और सबसे ज़्यादा सबकी जमानतें जब्त करवाएंगे। धन्यवाद।